डॉक्टर महेंद्र सिंह सोलन राठौर, श्री प्रभुराम सोलंकी, श्री रविंद्र सिंह बलावत जी, श्री नारायण पुरोहित जी, श्री राम कुमार भूतड़ा जी, श्री जगदीश देवासी जी, श्री जोगेश्वर गर्ग जी, श्री नारायण सिंह देवल जी, श्री पुराराम चौधरी जी, श्री सगन श्री राजपुरोहित जी, श्री ओटाराम देवासी जी, श्री समाराम गरासिया जी, श्री जगसी राम कोहली जी, गुजरात से आए हुए श्रीमान पर्वत भाई पटेल, श्री शंकर भाई चौधरी, हमारे गुजरात से पधारे हुए सारे पदाधिकारी गण, और आज राम सिंह गांव में आने वाले प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, बोलो भारत माता की। भैया आवाज जरा बड़ी करो, आवाज बड़ी करो। कहां है माइक वाला? आवाज जरा बड़ी करो। राम सिंह की, आपेश्वर महादेव की पवित्र धरती, पूजनीय वीरमदेव की धरती को मैं प्रणाम करता हूं। जालोर के नीलकंठ महादेव और सुंदा माता जी के चरणों में मेरे सत सत प्रणाम करता हूं। आज जब मैं यहां आया हूं तो राजस्थान वीरों की भूमि है। अभी अभी जो आतंकवादी हमला हुआ पुलवामा में, उसमें राजस्थान के 5 जवान शहीद हुए। श्री रोहिता इस्लामा जयपुर से, नारायण लाल गुर्जर राजसमंद से, श्री हेमराज मीना कोटा से, श्री जीतराम जी भरतपुर से, श्री भागीरथ सिंह धौलपुर से, ये 5 जवानों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करकर मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, ये मारवाड़ की महान धरती, जहां के व्यापारियों ने संपूर्ण विश्व में न केवल मारवाड़, न केवल राजस्थान, भारत की शान बढ़ाने का काम ये मारवाड़ की धरती ने किया है। ये मारवाड़ की धरती वीर भूमि है, शौर्य के लिए जानी जाती है, और आज विश्व में भारत एक अणु सत्ता बना है। वो पोखरण का धमाका भी यही मारवाड़ की धरती की कोख में हुआ। मित्रों, मेरे पास समय कम है। आज मोदी जी का नामांकन था, 259 जगह पर जाकर आज घूमता 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 आज ये झालोर की पवित्र धरती पर आया। मित्रों, मैं पूरब में गया, पश्चिम में गया, उत्तर में गया, दक्षिण में गया, जहां जहां गया मैंने एक ही नारा सुना है, मोदी 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 मोदी। और मित्रों, ये मोदी मोदी का जो नारा है वो भारत के जन जन का नारा बना, और ये मोदी जी का नारा सिर्फ मोदी जी की लोकप्रियता के कारण नहीं। 2014 से 2019 तक जिस तरह से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, वो काम के कारण मोदी जी ने पूरे देश के लोगों का मन जीतने का काम किया है। मित्रों, मन, और जहां पर भी जाते हैं एक निश्चय दिखाई पड़ता है, इस चुनाव के अंदर अगले प्रधानमंत्री हमारे नेता
देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। मित्रों, 2014 से 2019 में नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण के लिए ढेर सारे काम किए। राहुल बाबा भी जगह जगह घूमते हैं, राजस्थान भी आते हैं, कल ही आए थे ना, वो कहते हैं हम गरीबों को न्याय दिलाएं। भैया राहुल, 5 पीढ़ी से आप शासन में रहे, 55 साल तक रहे, मुझे बताओ बुजुर्गों रहे या नहीं रहे, माताएं बताए रहे या नहीं रहे, जवाहरलाल जी रहे, इंदिरा जी रही, राजीव जी रहे, संजय जी रहे, सोनिया जी रही, और अभी राहुल बाबा आए। 5 पीढ़ी से आपने देश के गरीबों के लिए नारा देने के अलावे कुछ और किया है क्या? मैं आपको पूछना चाहता हूं, 5 पीढ़ी तक, 55 साल तक आपने शासन किया, देश के गरीबों के लिए क्या किया? हमारे नरेंद्र भाई ने 5 साल शासन किया और 5 ही साल में देश के 7 करोड़ गरीब माताओं को गैस का चूल्हा फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार, 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, 2 करोड़ गरीबों के घर में घर को घर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी सरकार, 8 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय पहुंचाकर महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार ये नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार, और 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत योजना के तहत सारा बड़ी बीमारियों का खर्च, चाहे कैंसर हो जाए, दिल का दौरा पड़ जाए, लकवा पड़ जाए, लीवर बदलाना हो, गुर्दा बदलाना हो, कोई भी बीमारी हो, 5 लाख तक का खर्चा ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार उठा। और आज सुबह तक 24 लाख लोगों ने, देश के 24 लाख गरीबों ने अपने ऑपरेशन योजना के तहत कराने का काम समाप्त। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने गरीबों के लिए ढेर सारे काम किए। जहां तक जालौर का भी सवाल है, केंद्रीय विद्यालय खोला गया, बांद्रा से भगत की कोठी तक की रेल सेवा शुरू की गई, स्थानीय विद्यालयों में डिजिटल लैब बनाई गई, रेवगढ़ और सिरोही में कृषि मंडी बनाई गई, सिरोही में पासपोर्ट केंद्र बनाया गया, आबू रोड रेलवे लाइन पर ओवरब्रिज की स्थापना की गई, गुजरात की एरी जालोर और सिहोरी में ग्राम स्तर पर खोलने का काम हमारे डेयरी के चेयरमैन शंकर भाई यहाँ है, बनास डेयरी में कर यहाँ के पशुपालकों के दूध की व्यवस्था करने का काम, 1,18,000 माताओं को उज्ज्वला योजना का फायदा पहुंचाया, 198 माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक में पदोत्तनी की गई, और लगभग 50,000 गरीबों को आवास देने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। ये तो मैंने जालौर की बात करी। मित्रों, वसुंधरा सरकार द्वारा नर्मदा नहर बगोड़ा जालौर आहोर तक लगभग 380 करोड़
कर किसानों को पानी पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। अकोली सिंचाई परियोजना पूरी की, 18 माइक्रो सिंचाई योजनाएं पूरी की, जालौर में 2 महाविद्यालय खोले। और भाई हमारा हिसाब मांग रहे हो, हमें तो अभी जुम्मे 5 साल हुए हैं, आपने 55 साल और 5 पीढ़ी तक शासन किया, जालौर की जनता को आपका 5 पीढ़ी का हिसाब दीजिए राहुल बाबा, आपका 5 पीढ़ी का हिसाब। 5 पीढ़ी तक ना गैस पहुंचाया, ना शौचालय पहुंचाया, ना घर पहुंचाया, ना बिजली पहुंचाई, ना नहर पहुंचाई, क्या किया? मगर भाई उन्होंने मेरे से हिसाब मांगा है तो मुझे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मुझे राहुल बाबा को हिसाब देने की जरूरत नहीं है भाई, मगर जालौर की जो जनता है ना, मेरी माई बाप है, माई बाप है, भाई माई बाप। मैं जालौर की जनता को जवाब देना चाहता हूं। 10 साल तक यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, राजस्थान को क्या दिया? अशोक गहलोत जरा जवाब दे जालौर वालों, 10 साल तक आपकी सरकार, आप भी केंद्र में मंत्री रहे, आपने क्या दिया? 13वां वित्त आयोग आया, 13वें वित्त आयोग में मनमोहन सरकार ने 1,09,000 करोड़ रुपया दिया। कितना दिया? ध्यान से सुना नहीं ना भाई, मैं फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनना। मनमोहन सरकार ने 5 साल में राजस्थान को 1,09,000 करोड़ रुपया दिया। बोलो कितना दिया? हाँ, अब नरेंद्र मोदी सरकार आपने बनाई, 2014 में राजस्थान की सभी सीटें मोदी जी के झोली में डाल दी, नरेंद्र मोदी सरकार बनी। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 से 2019 5 साल के अंदर 3,78,000 करोड़ रुपया राजस्थान को दे दिया। कहां 1,00,000 करोड़ और कहां 3,78,000 करोड़। मित्रों, और ये हमारा हिसाब, मैं लेकर आया हूं जालौर की जनता के लिए हिसाब। मेरे हाथ में योजनाओं की सूची है, 133 योजनाएं हैं, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए, गांव के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, शहर के लिए, 133 योजना। मित्रों, हेलीकॉप्टर उड़ेगा नहीं, समय कम पड़ा है, मगर मैं पढ़ूंगा जरूर। आपको लगे, जिस वक्त आपको सुनते सुनते लगे मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे ताली बजा करो, पढ़ू जोर से, अरे पढ़ू जोर से, ध्यान से सुनिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, जनधन योजना, सॉइलैंड का, प्रधानमंत्री आवास योजना, सांसद आदर्श योजना, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति, अरे अभी 11 हुए, आपने 11 में ताली बजा दी। मित्रों, ऐसी 133 योजना, 133 योजना नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं। और मित्रों, अभी अभी हम जो हमारा घोषणा पत्र लेकर आए हैं, उसमें कहा है कि मोदी सरकार फिर से बनने के बाद देश भर के सभी किसानों को जो लोन दिया जाता है उस पर सूद नहीं लिया जाएगा, ब्याज मुक्त लोन किसानों को। हमने तय किया है कि किसान जब 60 साल का हो जाएगा उसको पेंशन दिया जाएगा, किसान को पेंशन देने का काम। खेत मजदूर जब 60 साल का हो जाएगा उसको पेंशन देने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार करेगी। तो नरेंद्र मोदी छोटे व्यापारी जिनका टर्नओवर 40 लाख से नीचे है उसका जीएसटी माफ कर दिया है, उसके लिए भी वो अगर 60 साल का होगा तो उसको भी पेंशन देने की योजना ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार।
व्यापारियों के लिए व्यापारी कल्याण बोर्ड और अगले 5 साल के अंदर ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम कराए। मगर मित्रों, ये सारे कामों का कोई महत्व नहीं, ये तो करने ही हो। जो सरकार आएगी भाजपा की तो ये काम जरूर करेगी, मगर मोदी जी ने सबसे बड़ा काम किया है, इस देश को सुरक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये पाकिस्तान की सरहद का इलाका है। 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार थी, पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, उसको अपमानित करते थे। और ये मौनी बाबा मनमोहन सिंह मुंह से उफ नहीं करते थे, उफ नहीं करते। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार अभी अभी पुलवामा के अंदर पाक प्रेरित आतंकवादियों ने हमला किया, हमारे 40 जवानों को मौत के घाट उतार दिया, पूरे देश के अंदर गुस्सा हताशा निराशा आक्रोश कि ये क्या हो। पाकिस्तान ने भी देर नहीं की, क्योंकि पहले सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, सीमा पर तोपे लगा दी, टैंके लगा दी, सेना बिछा दी। उसको लगा मोदी जी फिर से सर्जिकल स्ट्राइक में कर, मगर हमारे मोदी जी भी 56 इंच की छाती वाला आदमी है। 56 इंच इन्होंने टंके तोपे सेना बिछा दी। मोदी जी ने हवाई सेना को वायु सेना को हुक्म दिया और हमारे विमान पाकिस्तान के घर में घुसकर बालाकोट पर हमला कर आतंकवादियों के फुर्जे उड़ा कर यहां। जालौर वालों बताओ, ये ठीक किया या नहीं किया? जरा जोर से बोलो, ठीक किया या नहीं किया? आप कह रहे हो ठीक किया। उस दिन पूरे देश के अंदर उत्साह, फटाके जलने लगे, मिठाइयां बटने लगी, जवानों के चित्र पर फूलमालाएं लगाने लगे। मगर दो जगह मातम था, दो जगह, एक तो पाकिस्तान में मातम था और दूसरा ये राहुल बाबा एंड कंपनी के कार्यालय में मातम। छात्या पीट पीट कर रो रहे, उनके चेहरे का नूर गायब। मुझे समझ नहीं आया, आतंकवादी तो पाकिस्तान के मरे, आपके चेहरे का नूर क्यों गायब हो गए? क्या ममेरे चचेरे भाई लगते हैं क्या? ये श्याम पित्रोड़ा राहुल बाबा के गुरु तो वहां से 2 कदम आगे गए। इन्होंने कहा कि ये 4-5 लड़कों ने गलती की, आपने बम क्यों गिराए, उनसे बातचीत करनी चाहिए थी। जालौर वालों बताओ, 40 जवानों को मार दे, उसके साथ बातचीत करनी चाहिए क्या? करनी चाहिए क्या? बम गिराने चाहिए, बातचीत करनी चाहिए? अरे राहुल बाबा, आपकी पार्टी की पॉलिसी आपको मुबारक, आप इलू इलू करो आतंकवादियों से, इलू इलू करो। हम नहीं करते, हमारी नीति स्पष्ट है, नरेंद्र मोदी सरकार की नीति स्पष्ट है। वहां से गोली आएगी, यहां से गोला जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया। मित्रों, कश्मीर के अंदर इनके साथी कहते हैं कि दूसरा प्रधानमंत्री हूं। एक देश में 2 प्रधानमंत्री हो सकते हैं क्या? ये चाहते हैं कि कश्मीर देश से अलग हो जाए। मुझे बताओ मित्रों, कश्मीर देश से अलग होना चाहिए क्या? होना चाहिए क्या? राहुल बाबा कान खोल कर सुन लो, अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, फिर से बनने वाले हैं। कभी भी हम सत्ता में न रहे तो भी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक भी कार्यकर्ता के तन में प्राण है, तब तक हिंदुस्तान से कश्मीर को कोई अलग नहीं कर सकता। कश्मीर हिंदुस्तान का भिन्न हिस्सा, भारत माता का मुकुट मणि, इससे हमें कोई छीन नहीं।
लोग ये चुनाव देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का चुनाव, ये चुनाव देश का सम्मान बढ़ाने, ये चुनाव शहीदों को उनका बदला लेने का चुनाव, ये चुनाव आतंकवादियों को सबक सिखाने का चुनाव, ये चुनाव पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का चुनाव। मुझे बताओ, मोदी जी के अलावे आतंकवादियों को कोई मुंह तोड़ जवाब दे सकता है क्या? पाकिस्तान को कोई सबक सिखा सकता है क्या? तो आपको मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ? क्या करना पड़ेगा? आगे आओ देवजी भाई। अगर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो देवजी पटेल के कमल के निशान पर मोहर लगानी पड़ेगी। बताओ जालौर वालों, लगाओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? देवजी भाई को रिकॉर्ड मतों से जिताओगे? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दोगे? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दोगे? ये मारवाड़ की धरती को पूरे देश के अंदर नंबर एक पर ले जाओगे क्या? ले जाओगे तो मेरे साथ हाथ उठाओ, मुट्ठी भींचो, मैं बोलूंगा फिर एक बार, आप बोलोगे मेरे साथ, बोलिए फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भारत माता की देर हुई इसलिए फिर से एक बार क्षमा मांगकर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम। धरती पर भारतीय जनता पार्टी के